तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इक्कीक के नियम। इक्कीक के नियम को ही यूनिटरी मेथड बोलते हैं। इक्कीक के नियम इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी करने का मतलब है इकाई। इकाई इससे ऐसे है कि इकाई का मान ज्ञात करना रहता है। जैसे इस यूनिटरी मेथड के प्रश्न को हम निकालने के लिए सबसे पहले हम एक का मान को ज्ञात करते हैं, यानी इकाई का मान को ज्ञात करते हैं। उसके बाद जितना वस्तुओं का मान निकालना रहेगा उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। जैसे एक वस्तु का मान निकालना होगा, एक वस्तु का मूल्य निकालना है, तो कुछ वस्तुओं का मूल्य जो दिया हुआ है उन सारे वस्तुओं का मूल्य निकाल कर, वस्तुओं का मूल्य बटा वस्तुओं की संख्या। मेरे पास जो कितनी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं के संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे, तो हमें एक वस्तु का मूल ज्ञात होगा। तो जितना तो इनिट्री मेथड में यही है कि हम बहुत सारे वस्तुओं का मूल यदि मालूम है तो उसमें से हम एक वस्तु का मूल निकालते हैं। एक वस्तु का मूल निकालते हैं कब, जब पूरा वस्तु जितना भी वस्तु है उसका मूल दिया हुआ है और उसमें से भागा देंगे कितने वस्तु है मेरे पास, यानी वस्तुओं की संख्या। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्रश्न ये है कि पांच पुस्तकों का मूल 100 रुपया है, रुपया 100 है। तो ऐसे 100 पुस्तकों का मूल, ज्ञात करें। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि पांच पुस्तक का मूल, मेरे पास पांच सॉल्यूशन इसका करेंगे तो यहाँ क्या दिया, पांच पुस्तकों का मूल, मूल दिया हुआ है 100 रुपया। तो इक्कीक के नियम के अनुसार हम एक पुस्तक का मूल निकालेंगे। यहाँ इक्कीक के नियम में प्रत्येक पुस्तकों का समान दाम होता, यानी सामान्य मूल्य मानते हैं। तो एक पुस्तक का मूल क्या, ऊपर में पढ़े, कुछ कुछ वस्तुओं का मूल, यानी जो मेरे पास वस्तु है उसका मूल 100 रुपया था। अब बटा वस्तुओं की संख्या, मेरे पास वस्तुओं कितने थे, कितने पुस्तक थे, पांच। तो इसको डिवाइड किए तो 20 आया, यानी ये एक पुस्तक का मूल आया। एक पुस्तक का मूल कितना आया, 20 रुपया। अब हमें 100 पुस्तकों का मूल निकालना है। तो हम क्या बोले थे, जितना भी पुस्तक का मूल निकालना रहेगा उसको एक पुस्तक के मूल में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो 100 पुस्तकों का मूल 100 पुस्तकों का मूल 100 × 20 यानी ₹2000, यानी कितना हुआ, 2000 रुपया का मूल्य निकला। तो इस तरह हम प्रश्न को इक्कीक के नियम के अनुसार करते हैं। अब हम अगला एक और प्रश्न करेंगे जिसमें है
प्रश्न को हम लिख रहे हैं कि 25 आदमी किसी काम, कोई काम होगा, किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो कितने आदमी उसी काम को, काम क्या है, वर्क के सेम, उसी काम को 5 दिनों में कर सकेंगे। यानी इसमें पूछ रहा है कि जब 25 आदमी थे तो उस काम को, कोई काम था, वह 20 दिन में संपन्न हो रहा था, तो जब उसी काम को 5 दिन में हमको संपन्न कराना है तो कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो हम इसके लिए इकक के नियम का उपयोग करेंगे कि 20 दिन में किसी काम को 25 आदमी करते थे। कितना आदमी करते थे? 25 आदमी, 25 आदमी करते थे, करते हैं या करते थे हम लोग बीते। एक आदमी तो एक दिन में, 20 दिन का वे काम था, तो एक दिन में किसी काम को इतना आदमी करेंगे एक दिन में, उसी काम को करना है तो इसके लिए कितना चाहिए आदमी? इतना आदमी। तो हमको अब 5 दिन में करना, यानी 5 दिन में उसी काम को करना। तो कितना लिखेंगे? 25 × 20/5, यानी 5 × 5 = 20, 100 आदमी। यानी आदमियों की संख्या यहाँ 100 आदमी करेंगे। क्या था यहाँ पर प्रश्न में? सॉल्यूशन कि 25 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो कितने आदमी उसी काम को 5 दिन में करेंगे। यानी आदमी 25 थे तो 20 दिन लग रहे थे, जब दिन कम गया तो यानी आदमी का संख्या बढ़ जाएगा, तो 20 दिन में कोई किसी काम को 25 आदमी करते थे तो 20 दिन लग रहा था हमको काम को करने में, तो 25 दिन आदमी की जरूरत पड़ता था। अब एक दिन में उसी काम को करना है तो आदमी की संख्या को हमको बढ़ाना है, इसलिए आदमी की संख्या क्या हुए? गुना, मल्टीप्लाई हुए। अब हमको 5 दिन में उसी काम को करना है तो यानी 5 दिन में करना है तो टोटल आदमी इतना हुए। एक दिन में काम करने के लिए इतना आदमी चाहिए तो 5 दिन में क्या होगा? उससे डिवाइड होगा। तो इस तरह हम एकक के नियम में इतना प्रश्न के अनुसार हम समझने का प्रयास किए कि एकक के नियम में कुल वस्तुओं यानी कुल आदमियों का मान निकालें, अब बटा क्या किए, दिनों की संख्या से डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास कुल आदमी का संख्या ज्ञात हुआ।